मोहन यादव कल लेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ पीएम मोदी भी होंगे शामिल मध्य प्रदेश में लंबे मंथन के बाद नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम का ऐलान हो गया है मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस बीच शपथ ग्रहण समारोह के बारे में भी जानकारी दी है मोहन यादव ने कहा कि शपथ ग्रहण 13 दिसंबर को होगा मध्य प्रदेश में लंबे मंथन के बाद नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम का ऐलान हो गया है मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस बीच शपथ ग्रहण समारोह के बारे में भी जानकारी दी है मोहन यादव ने कहा कि शपथ ग्रहण तेरह दिसंबर को होगा भोपाल के नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें मोहन यादव मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम और जगदीश देवड़ा भी डिप्टी सीएम की शपथ ले सकते हैं। कल बैठे हुए थे अचानक से आपका नाम आया और फिर कैसी रही आज पहली रात मुख्यमंत्री की तो नहीं बहुत आ, मैं कोई मन पे लेके चलता नहीं हूँ सामान्य कार्यकर्ता हूँ इसलिए सामान्य दिन की तरह लिया लेकिन ये बात सही कि जवाबदारी हमको सेवक के नाते से मिली है और सेवा की भावना के आधार पर क्या जनता के बीच में कर सकते हैं और कितनी सेवा कर सकते हैं ये लगातार उसी दिशा में काम भी कर रहे हैं और तो कल चूंकि पहले शपथ का कार्यक्रम है तो स्वाभाविक रूप से सारे बड़े बड़े हमारे जो मार्गदर्शक हैं माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय गृह मंत्री जी नड्डा जी माननीय योगी जी उन सब के लिए हम तैयारी कर रहे हैं प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है और भाजपा के लिए पूरा देश वर्तमान में एक विशेष निगाह से देखता है तो कई हमारे लिए प्रदेश में और बड़ी संभावना सरकार के आधार पर

वरिष्ठ विधायक गोपाल भार्गव की भूमिका अब तय की जाएगी इसको लेकर सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं कि मध्य प्रदेश में इन नेताओं की क्या भूमिका रहने वाली है शिवराज ने रखा मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव के नाम पर मुहर लग गई है सोमवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया आपको बता दें कि शिवराज सिंह ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा जिसका सभी विधायकों ने समर्थन किया शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी तेज कर दी गई है मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में विशाल डोम तैयार किया गया है और इसमें 2000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है विशाल मंच तैयार कराया जा रहा है जहां पर दो दर्जन से अधिक नेता इसमें शामिल होंगे मंच पर उपस्थित रहेंगे बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता और आम जनता भी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर अभी आधिकारिक प्रोग्राम जारी होना बाकी है लाल परेड मैदान में बनाए गए हेलीपैड मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं और एनडीए के बड़े नेता भी इसमें शामिल हो सकते हैं और यही कारण है कि लाल परेड मैदान में हेलीपैड बनाया जा रहा है प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक बुधवार दोपहर बारह बजे डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं